हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे असूस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 के बारे में। दोस्तों, इस फ़ोन के अंदर अप्रैल महीने का सिक्योरिटी पैच अपडेट आ चुका है। कैसे आप इसको अपडेट कर सकते हैं और इस अपडेट के बाद आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, अगर इस अपडेट का आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला है तो दोस्तों आप अपने मैनुअल तरीके से भी अपनी फोन सेटिंग के अंदर जाके ये अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप अपनी फोन की सेटिंग ओपन कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों आपको इस सिस्टम वाले ऑप्शन में जाना है, एडवांस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों सिस्टम अपडेट पर क्लिक करना है और चेक फॉर अपडेट करेंगे तो आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं, ये जो अपडेट आपको देखने को मिला है दोस्तों, इस अपडेट ये अपडेट काफ़ी बड़ा तो नहीं है, बट दोस्तों इसमें क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। ये अपडेट है दोस्तों 173.32 MB का अपडेट देखने को मिला है, और इस अपडेट के साथ आपको जो अपडेट मिलेंगे वो मिलेगा आपको एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा और अपडेट APN लिस्ट आपको अपडेट देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, यहां से यस करके डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको क्या लगता है और क्या क्या चेंजेस देखने को मिला है इस अपडेट के बाद, आप सारा कुछ देखने के बाद आप ज़रूर से इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे को बताइए, और मैं भी जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा इस अपडेट के बारे में तो मैं आपको जल्दी से वीडियो बना के दे दूंगा। तो बस दोस्तों यही इंफॉर्मेशन थी इस वीडियो के अंदर कि Asus ZenFone Max Pro M1 के अंदर अपडेट मिल चुका है अप्रैल महीने का, तो ये आप अपडेट कर सकते हैं।